इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। टीएमसी के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी समेत पांच बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे बड़े नेता वैशाली डालमिया, रतिन चक्रवर्ती, रुद्रानील घोष और प्रबीर घोषाल शामिल हैं। इससे पहले चारों नेता बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद चारों नेताओं ने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात भी की और उसके बाद इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। आपको बता दें, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, जिनकी तरफ से हाल ही में इस्तीफा दिया गया था, बाकायदा भावुक तरीके से उन्होंने टीएमसी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी और तभी से ये कयास लग रहे थे कि राजीव बनर्जी के साथ कई बड़े चेहरे टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस सबके बीच आज मुलाकात के बाद इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया टीएमसी के चार नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या लिखा वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती, रुद्रानील घोष आज बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे विश्वास है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होगी। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कयास पहले से थे राजीव बनर्जी कई बड़े चेहरों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, तो ये एक और बड़ी टूट टीएमसी में। विक्रांत, देखिए बिल्कुल टीएमसी के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि राजीव बनर्जी एक बड़े नेता हैं और मंत्री भी थे। वो विधायक पद से उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया, मंत्री पद से वो पहले इस्तीफा दे चुके थे। और ये भी एक संयोग रहा कि आज मैं जब कलकत्ता से वापस लौट रहा था तो वहीं पर एयरपोर्ट पर इन नेताओं से मुलाकात हुई थी और न्यूज 18 इंडिया पर हमने बताया था कि आज ही ये लोग चार्टर्ड विमान से दिल्ली जा रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात होने के बाद इनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। तो ये सभी नेता बीजेपी में अब शामिल हो गए और कल राजीव बनर्जी के इलाके में गृह मंत्री को एक रैली भी करनी थी। हालांकि इसराइल एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ था उसके बाद वो रैली और उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था, लेकिन अब उस रैली को कल स्मृति ईरानी संबोधित करेंगे और अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको संबोधित कर सकते हैं। मतलब आधी से ज्यादा टीएमसी लगभग खाली होती हुई दिख रही है विक्रांत। यानी जो बात कही गई थी अमित शाह की तरफ से एक रैली के दौरान कि ममता दीदी आप अकेली पड़ जाएंगी, अब ये इन सभी लोगों का बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कितना बड़ा झटका होगा टीएमसी के लिए, क्योंकि पहले ही कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं टीएमसी को छोड़कर। देखिए टीएमसी को नुकसान तो है ही, क्योंकि पार्टी के ना केवल ये बड़े नेता हैं बल्कि मंत्री भी थे और सिटिंग विधायक हैं। अगर आपकी पार्टी या सिटिंग विधायक पार्टी छोड़ करके चुनाव से ठीक पहले जा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और ममता बनर्जी भी ये जानती है कि ये सभी लोग अपने अपने इलाकों में क्षेत्रीय छत्रप हैं और इनके जाने से पार्टी को संगठन का भी नुकसान होगा और एक कैडर, जो बीजेपी एक बड़ा कैडर अपना बनाने में जुटी है, बीजेपी को इसका चुनावी फायदा भी मिलेगा। विक्रम, कुछ कहा टीएमसी ने वैसे इसको लेकर? देखिए टीएमसी की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो नेता, इनमें से कई नेताओं को टिकट नहीं मिलना था, इनका चुनाव के दौरान टिकट कटना था और इनको कई लोगों के साथ पार्टी के नेतृत्व की नाराजगी थी तो इनका इसी कारण ये पार्टी से अलग हुए। हालांकि ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, क्योंकि पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होता है जब भी कोई सिटिंग एमएलए या विधायक, सिटिंग मंत्री जो है छोड़ करके जाता है। तो इन नेताओं से पहले भी शुभेंदु की अधिकारी की अगर हम बात करें, वो एक बड़े नेता थे और उनका पूरा मिदनापुर इलाके में एक बड़ा प्रभाव था। उनके बाद से लगातार टीएमसी के नेताओं का जाना जारी है और आज जिस तरीके से बीजेपी के में तमाम नेता शामिल हुए या गृह मंत्री से मिल करके, तो पार्टी को ये एक बड़ा नुकसान टीएमसी को झेलना पड़ा। बिल्कुल, ये बड़ा नुकसान टीएमसी के लिए। राजीव बनर्जी समेत पांच टीएमसी के बागी बीजेपी में।